हेलो फ्रेंड्स, तो ये है गोवा का शॉपिंग हॉल वीडियो। हम जहाँ पे गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे थी शॉपिंग करने, पर मुझे तो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ मैंने जो भी शॉप किया है, क्योंकि मुझे और शॉपिंग करनी थी। बट बात ऐसा था कि मेरे पास जितने मैंने चीज़ें शॉप की थी, मेरा बैग फुल हो चुका था और मेरा बजट भी ख़त्म हो चुका था। होम डेकोर रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही मैंने ज़्यादातर ये बार खरीदी है, तो चलिए देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले मैंने ली थी एक ग्लास पेंडेंट लैम्प। ये जो ग्लास पेंडेंट लैम्प है, इसे देखते ही सिर्फ गोवा की याद आती है, बिकॉज़ आई थिंक पूरे कंट्री में ये टाइप का जो डिज़ाइन है, ये सिर्फ आपको गोवा में ही दिखाई देगा। मैं भी काफ़ी सारे सिटीज़ जाकर आ चुकी हूँ, और मैंने लोकल मार्केट्स भी देखी है। ऐसे टाइप की ग्लास लैंटर्न्स मैंने कहीं पर भी नहीं देखी है। तो ये जो ग्लास लैंटर्न है, इसमें काफ़ी सारे वेराइटीज़ थे, शेप्स थे, प्रिंट्स थे, बट इसकी जो थीम थी वो एक ही थी। ग्लास के ऊपर ये जो ऐसा एक वर्क रहेगा, और उसमें उन्होंने आई थिंक ये सम काइंड ऑफ सीमेंट रहेगा जो उन्होंने उस पे साइड पे कवर करके रखा है, ताकि जो लाइट है वो सिर्फ ये फिश के थ्रू रिफ्लेक्ट होगी, और सीरियसली बहुत अच्छा दिखता है। मैं इसे मेरे घर पे एक जगह पर सेट करने वाली हूँ। जैसे जैसे जो भी सेट होता है ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अगला प्रोडक्ट है ये टी लाइट कैंडल होल्डर है, और इस पे जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है बाहर ये कटआउट से, तो बहुत सुंदर दिखता है वो। जो अगर आप वॉल के पास रख रहे हैं, तो ये जो कटआउट्स है इसमें से जो बाहर निकलेगी उसकी जो रोशनी, वो दीवार में वैसे के वैसे पड़ेगा और एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगेगा। आपका ये राजस्थान या गुजरात में अगर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे जो पुराने ज़माने के लोग हैं, उन्होंने ज़्यादातर ऐसे टाइप के कार्विंग्स ही यूज़ किए हैं। और रात के टाइम में जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो उनकी जो घर है, मिट्टी से बनाई हुई घर जो होती है उनकी, उसमें पूरा ये रोशनी लगता है, और वो ऐसा लगता है कि उन्होंने हाथों से बनाया हुआ डिज़ाइन है करके। तो ये एक बहुत ही सुंदर चीज़ है। जितना दीवार के सामने रखेंगे उतना छोटा दिखेगा, जितना दीवार से दूर करेंगे वो उतना बड़ा दिखेगा। तो ये रात टाइम के लिए एक शेडो आर्ट भी कह सकते हैं हम इसे, जो आप यूज़ कर सकते हैं घर के काफ़ी सारे कोने में आप लगा सकते हैं इसे। और ये बहुत अच्छा पीस है इन्वेस्ट करने के लिए। जब तक ये टूटेगा नहीं, तब तक ये बहुत ही खूबसूरत पीस है। एक बार ऐसे भी गिरा ना, तो बस बात खत्म। तो ये एक चीज़ है, आपको एकदम एक कोने पे रखना पड़ेगा जहाँ पे किसी का हाथ ना पहुँचे। दूसरी चीज़ है ये एक बैक फ्लो इंसेंस स्टिक। काफ़ी सारे जन आप जानते होंगे ये क्या है करके। मुझे अपने डाइनिंग टेबल में एक जेन डेकोर सेटअप करना था, तो उसके लिए एक एप्ट पीस था। मैं शॉपिंग करते समय मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या क्या चीज़ें शॉपिंग करनी है और कौन कौन सी जगह पर रखनी है अपने घर पर, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें लूँगी तो मैस हो जाएगी, इसलिए मैंने ओनली उतना ही चीज़ें लिया था। और ये एक इंसेंस स्टिक है जिसमें पीछे के साइड में होल होता है, स्टिक को जलाने से पीछे के साइड से जो स्मोक निकलती है उसके वजह से इसमें एक आर्ट क्रिएट होता है, उसको आप स्मोक आर्ट कह सकते हैं। स्मोक बोले तो जो धुआं निकलती है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने ये स्टिक्स गोवा से ख़रीदे, तो जब मैं उस स्ट्रीट में हम जब हैंग आउट कर रहे, तो काफ़ी सारी जगह पे यही स्मेल आ रहा था, इसलिए जब भी मैं इसे अपने घर पे लगाती हूँ तो मुझे तुरंत ऐसा लगता है कि मैं वो मोमेंट में लाइवली फिर से जा कर आ चुकी हूँ करके। तो ये एक रहता है मेमोरीज क्रिएट करने की बात, कि आप उसे रीलिव कर सकते हो, आप उसे फिर से वो मोमेंट को जी सकते हो। ये जो बैक फ्लो इंसेंस स्टिक होती है, ये इसका जो धुआं होता है वो यहाँ से ऐसे निकलता है, जब वो कप के अंदर गिरता है तो ऐसा लगता है कि दूध बह रहा है या दूध गिर रहा है इसके अंदर करके। तो ये एक चीज था, टीपॉट का टीपॉट डाइनिंग टेबल में एप्ट लगेगा। यहाँ पर मैं एक छोटा टिप देती हूँ, अगर आपका जो बैक फ्लो इंसेंस स्टिक है उसमें से अगर पीछे से धुआं नहीं आ रही है, तो एक टूथपिक लेकर उसे पीछे से थोड़ा वो जो उसका जो होल है उसको थोड़ा लूज कर देंगे, तो वो बैक फ्लो स्मोक उसमें से आने लगेगा। ये एक छोटा सा टिप है, नहीं तो ज़्यादातर लोग उसे फेंक देते हैं वो कोन को इसके लिए। अगला जो पीस है, कोकोनट शेल के पाउडर से बनाया हुआ स्कल्पचर। काफ़ी सारे स्कल्पचर थे, मुझे बुद्धा ही चाहिए था। ये दिखने में थोड़ा ऐसा लगेगा कि इतना गंदा क्यों है करके, बट मेरा जो कैमरा है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बट आप इसे लाइव में देखेंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी,
इसमें कोकोनट शेल पाउडर के साथ उन्होंने बाइंडिंग के लिए कुछ तो प्रोडक्ट ऐड की है, इसीलिए वो इतना स्टिफ और हार्ड है। इसे प्लास्टिक भी नहीं, रेजिन भी नहीं, ऐसा कुछ प्रोडक्ट लगता है ये। मुझे ये एकदम एंटिक लगा और मुझे जैसे मेरे माइंड में एक इमेजिनेशन था उसके आसपास आ रहा था, तो मैंने फ़िलहाल के लिए ये बुद्धा खरीद ली थी। बहुत एक्सपेंसिव प्राइस बताते हैं, बट हमें थोड़ा उनसे यू नो कन्विंस करके लेना पड़ता है। सिरामिक प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे काफ़ी चीप मिल रहा था, काफ़ी चीप इन द सेंस नॉट सो चीप, बट अगर आप बार्गेन कर लेते हैं तो थोड़ा चीप में आप ले सकते हो। ये जो सिरामिक की गणपति है मुझे अपने टेरेस में एक सेटअप करना है, ज़रूर आपके साथ वो शेयर करूँगी मैं। अगला है ये अमेथिस्ट रॉक, ये नेचुरल स्टोन है, इसे ऐसे ही केव से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है। तो हम जो जेमस्टोन की रिंग पहनते हैं उसका रॉ वर्जन होता है ये, ऐसे ही इसे निकाला जाता है सबसे पहले, फिर इसी को बहुत पॉलिशिंग करके काफ़ी हीट ट्रीटमेंट देने के बाद वो ऐसे जो हम इसका जो ज्वेलरी बना के पहनते हैं वो क्वालिटी पर ही आता है, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते हैं। ये जो एमेथिस्ट रॉक स्टोन है इसे हम कोई भी शेप में ले सकते हैं, बट अगर ये आपको ट्रायंगल शेप में कहीं मिल जाता है तो ये बहुत ही लकी माना जाता है। ये मैंने एक स्टडी में पता लगवाई थी, काफ़ी सारे शेप्स थे बट लकीली मुझे भी ट्रायंगल शेप मिल चुका था। मैं लेने गई थी कुछ और, बट बिकॉज ये मेरे नज़र में लग चुका था तो मैंने इसे उठा लिया था। ये बहुत अच्छा है और इसकी जो सेटअप मैं करने वाली हूँ ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, आप देखना बहुत पसंद करेंगे इसे। अगर हम इसे ज्वेलरी बना के पहनेंगे तो जो पहनते हैं उनके लिए बेनिफिट्स होता है ज़्यादा, और अगर हम इसे घर पे रखेंगे तो जो हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं जैसे मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों के आसपास वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो होती रहेगी। और इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज होती है वो हमारे आसपास में होने वाले हर नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस जो थे उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ को इन्वेंट किया था, यानी घोड़ा का जो बाल होता है उससे ये मेश को बनाते थे, तो उसे हॉर्स हेयर मेश कहा जाता था। तो जब बच्चे जिस डायरेक्शन में सर रख के सोते हैं उनके सर के ऊपर के साइड में ये जो ड्रीम कैचर है इसे हैंग कर देते हैं, इससे क्या होता है बच्चों को रात में बुरा सपना नहीं आता है और वो पीसफुली सो सकते हैं, ये एक मानना था उनका। काफ़ी वहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ ये जो ड्रीम कैचर था, बोहेमियन स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा था, इतना आई कैचिंग था, बट मुझे अनरीजनेबल लगा इसलिए मैंने बोहेमियन स्टाइल का नहीं लिया। मैंने काफ़ी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की बट वो नहीं माने, तो मैंने ये छोटा वाला एक ड्रीम कैचर ले लिया था। ये मेरे घर का पहला ड्रीम कैचर है, काफ़ी सारे कलर्स में थे, मैंने येलो और ग्रीन में लिया है। ग्रीन जो है वो प्रॉस्पेरिटी को सिम्बलाइज करता है और येल्लो जो है वो स्ट्रेंथ को सिम्बलाइज करता है। ये जो बैग है जूट बैग्स है, इसे हाथों से बनाया जाता है ये एम्ब्रॉयडरी को, इसके अंदर एक मेटल वायर भी दिया है इन्होंने इसकी स्टेबिलिटी के लिए। बहुत ही क्यूट सा बैग है, आप कहीं मॉल्स में जा रहे हैं या कोई पार्टी में जा रहे हैं तो ये बैग काफ़ी चिक स्टाइल लगेगा। इसमें मेरी शक्ति के लिए एक छोटा सा पानी बॉटल और मेरा मोबाइल वॉलेट, एक नैपकिन और कुछ छोटी छोटी चीज़ें, मेरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है वो आराम से बैठ जाती है बैग में। दिखता इतना छोटा है बट काफ़ी सारी चीज़ें कैरी कर लेता है। बैग जो पहनते हैं काफ़ी भारी नहीं लगता, तो ये खासियत थी ये बैग की। इसे एक प्लास्टिक कवर में हमें कवर करके रखना चाहिए क्योंकि इसे जितना संभाल के रखेंगे ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। हाँ, अगर एक बार डस्ट लग जाएगा तो फिर इसे साफ़ करने में मुश्किल हो जाती है और इसे धोना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगला सेक्शन है ज्वेलरीज का। ये जो मैं ज्वेलरी दिखा रही हूँ इसे मैंने ये टाइम शॉप नहीं की है, मैं जब गए टाइम गोवा गई थी मैंने कहा था कि मैं बिनोलिम गई थी लास्ट टाइम, है ना, वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें शॉप की थी। बट ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया रहेगा आप गोवा जाते हैं तो किस टाइप ऑफ ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे जंक ज्वेलरीज है और ज्वेलरीज ऐसे हैं जो सेमी प्रेशियस दिखते हैं। मैंने काफ़ी सारे लॉन्ग चेन यहाँ पे परचेज किए थे। गोवा में हम अगर शॉर्ट नेकलेस
या शॉर्ट ज्वेलरी चूज़ करते हैं तो वो हमारे इंडियन वेयर जो होता है, कुर्ता साड़ी, ये सारी चीज़ के ऊपर ज़्यादातर बिल्कुल सूट नहीं होगा। बट ये जो लॉन्ग चेन्स है वो बिल्कुल एक सिंपल सी साड़ी के ऊपर या कुर्ता के ऊपर या आपके शर्ट फॉर्मल शर्ट्स के ऊपर या आपका कोई भी जो वेस्टर्न आउटफिट होगा उसके ऊपर आराम से सूट हो सकता है। बहुत सारे वैरायटी ऑफ ज्वेलरी थे, बिल्कुल लगेगा नहीं कि ये आर्टिफिशियल है। आप नाइट टाइम में इसे वेयर करेंगे तो उसे लगेगा कि रियल डायमंड है। उतना कट्स है इसमें और उतना ग्लेयर है इसमें कि अभी तो ये बिल्कुल आपको जस्टिफाई नहीं होगा, बट एक बहुत अच्छा पीस है ये। ये जो कॉपर और ब्लैक टोन में काफ़ी सारे ज्वेलरीज थे वहाँ पे, मतलब कंपेयर टू बाकी सारे ज्वेलरी, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है इसमें जो ब्लैक और कॉपर और जो पर्ल्स, इसमें बहुत सारे ज्वेलरीज थे। और ये टैंगल हो सकता है क्विकली, और एक बार टैंगल होता है तो हम इसे निकालने में इतनी हमें दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि अगर हमने इसे संभाल के पहले ही रखा तो इसे पहन के जाने में ईजी होगा। ये सारी ज्वेलरीज अगर हम एक अच्छे से प्लास्टिक कवर में डालकर एयरटाइट कंटेनर में रख देते हैं तो ये ज्वेलरी सब वैसे का वैसे रहेगा। अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी है, थोड़ी कॉस्टली है बट वर्थ इन्वेस्टिंग है। एक अगर हम जब भी कब हम शॉपिंग करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना होता है कि अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डाल के हमने अच्छी चीज़ें ले ली तो वो थोड़ा लंबे टाइम तक टिकेगा। इससे क्या होता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो वेस्ट नहीं जाता है। अगर हमने ऐसे ही लेना है करके कोई ज्वेलरीज ले ली तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, या तो वो काला हो जाएगा या तो वो टूट सकता है। तो ये एक बात है ज्वेलरी शॉपिंग करते समय याद रखना चाहिए कि हमें थोड़ा अच्छा क्वालिटी का चूज़ करना चाहिए ज्वेलरी। अगला है ये कैश्यू नट। आप तो सभी लोग जानते होंगे कि गोवा में तो कैश्यू नट पॉपकॉर्न के जैसे बेचते हैं। ये कैश्यूज मैंने अपनी माँ के लिए खरीदे क्योंकि उन्हें ये स्किन वाला कैश्यूज चाहिए था। इसकी खासियत ये है कि 3 साल तक भी ये जो कैश्यू नट्स है वैसे के वैसे रहेगा। आप इसे जस्ट ऐसे ही एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में डाल के रख देंगे तो आप जब निकालते हैं तो इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव करना होता है या फिर उसे ड्राई रोस्ट करना होता है तो छिलका निकल जाता है। छिलका एक बार निकल जाता है तो ही आप खा सकते हैं। छिलके के साथ खाएंगे तो बहुत कड़वा लगेगा। ऐसे हम इसको छिलके के साथ जितना टाइम रखेंगे उतना ज़्यादा इसका शेल्फ लाइफ रहेगा। तो गोवा जा रहे हैं हम तो कैश यूनिट्स ज़रूर भर के ले आना है। हम जिस बीच में रुके थे वहाँ से मैंने ये शेल्स उठाए। मैंने और शक्ति ने मिलके ये इस शेल्स को कलेक्ट किया था। हम जब किनारे पे बैठे रहते थे तब हम ऐसे एक 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 शेल्स करके उठा। बहुत छोटा सा शेल्स है ये, हम इसको ऐसे ही हमने पिकअप कर लिया था क्योंकि मुझे एक इसे अपना मेमोरी बनाना था तो मैं इसे एज अ पार्ट ऑफ होम डेकोर यूज़ करने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैंने करीब 2 ग्लास भर के जो सैंड था पलोलम बीच का सैंड वो भी मैंने उठा ली थी क्योंकि मुझे इसे एक होम डेकोर के लिए भी यूज़ करना था जो इंटर्न एक सुवेनियर भी हो सकता है। हम जब रात को डाइनिंग करते थे बीच में बैठ के तब वहाँ पे ये लेज़र लाइट बेचने वाले वेंडर्स आते थे, काफ़ी वैरायटी ऑफ लेज़र लाइट बेचते थे। शक्ति मुझे बार बार कहती थी कि अम्मा हम अपने टॉर्च लाइट भूल गए, कितना अंधेरा है। तो वो हर रोज़ टॉर्च लाइट मुझसे पूछती थी कि मम्मी मुझे एक टॉर्च लाइट लेके दो, क्योंकि शक्ति को लगा यही टॉर्च लाइट है तो हमने उसे ये इसे खरीद के दे दी थी। और ये एक अच्छा था रात के टाइम में, कितना भी दूर मारो तो ये दिखाई देता है। अब शक्ति नीचे बैठे बैठे कहती थी कि मम्मी देखो मैंने स्टार को छू लिया है, मैंने मून को छू लिया है। तो काफ़ी एक्साइटेड थी ये लेज़र लाइट को लेके। वो एक अलग एक्सपीरियंस था बीच में बैठ के, वो उसे लगता था कि वो नीचे बैठ के इतनी दूर चीज़ों को छू रही है करके। इसे ऐसा पार्ट ऑफ डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ये जो बटन है इसमें कुछ टाइट सेलोटेप अगर घुमा के ऐसे होल्डर में लगा देंगे तो सीलिंग पे जो लाइट ऐसे डॉट्स पे रिफ्लेक्ट होगा तो वो काफ़ी अच्छा दिखेगा क्योंकि ये लेज़र लाइट है, ये काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है।
और लास्ट में ये कुछ चीज़ें मैंने एंटिक चीज़ें यहाँ वहाँ की खरीदी थी। तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने अपने घर पे कैसे इसको सेटअप किया है ये अगले वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ब्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।